मनपा चुनाव का चुनावी वर्ष में इस कार्यकाल में अंतिम स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने वर्ष 2021-22 के लिए 2,796.7 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि कुछ माह पहले मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने वर्ष 2021-22 के लिए 2,607 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मनपा के तमाम नगर सेवकों से टीकाकरण को बढ़ावा देने की सकारात्मक पहल करने की गुजारिश की। इस कोविड से संपूर्ण देश को जानमाल की हानि हुई, इसलिए नागपुर मनपा की आर्थिक परिस्थितियों को पटरी पर लाने के लिए कठोर वित्तीय उपाय योजना करने की जरूरत पर बल दिया। खेद व्यक्त किया कि प्रशासन ने तय समय अनुसार रिवाइज व प्रास्ताविक बजट 15 फरवरी के अंदर दिया होता तो और जल्दी आम बजट पेश कर दिया गया होता। प्रकाश भोयर द्वारा प्रस्तुत बजट वास्तविक में 2,476.7 करोड़ का पेश किया, जिसमें पिछले आर्थिक वर्ष का बचा हुआ 320 करोड़ को समाहित कर आय व्यय का प्रस्तुतीकरण किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में बकाया एलबीटी के 4 करोड़ संपत्ति कर से 289.43 करोड़, सरकारी अनुदान से 1,418.80 करोड़, 201.2 करोड़, बाजार से 51 लाख, स्थावर से 4.95 करोड़, अग्निशमन से 1.72 करोड़, नगर रचना से 96.19 करोड़, स्वास्थ्य विभाग मार्फत 8.84 करोड़, लोक कर्म से 81 लाख, लोक कर्म बीओटी प्रकल्प से 1 लाख, मनपा बिजली विभाग मार्फत 12.5 करोड़, हॉटमिक्स से 5.1 करोड़, अन्य विभागों से 76.86 करोड़, कैपिटल ग्रांट से 187.55 करोड़ लिए गए, कर्ज से 50 करोड़, एफडी से 115.80 करोड़ आदि से 2,476.7 करोड़ की आय होगी। इसमें कोविड से ग्रसित माँ जिन्हें बच्चों को दूध पिलाने में अड़चन हो रही, वैसे बच्चों के लिए मदर्स मिल्क बैंक का निर्माण किया जाएगा। मिल्क बैंक का विषय है तो विषय ही या कोरोना के आजार अनेक जे गर्भोदर महिला होती त्यांची प्रसूती झाल्यानंतर त्यांना आपल्या बाळापासून जवळपास 17-18 दिवस दूर राहावा लागला। असा स्थितीत त्या बाळांना दूध पाजण्यासाठी काय व्यवस्था करायची, तो केंद्रीय व्यवस्था अंतर्गत वुमेन मिल्क बँक, माँ के दूध का एक बँक होना चाहिए अशी संकल्पना या देशात अनेक ठिकाणी आकारण्यात आलेली आहे। त्या संकल्पनेतनं नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये सुद्धा, नागपूर एक मोठा शहर असल्यामुळे नागपूरला सुद्धा एक ह्युमन मिल्क बँक तयार झाली पाहिजे, ज्याच्यामुळे असा कोणताही आजार आला किंवा काही आजारामुळे घरची जन्म देणारी आई जर रुग्ण असली आणि मुलाला दूध पाजता येऊ शकत नसेल तर अशा स्थितीत त्यांना दूधची पूर्तता या मिल्क बँकच्या माध्यमातून करण्यात यावी अशी संकल्पना या संकल्पना करण्यात आलेली आहे। याचा सोबतच विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे ही एक संकल्पना असतो। खेडेमेडीच्या वातावरणात विज्ञान शिकता आला पाहिजे या दृष्टीने महानगरपालिका आणि राष्ट्रभाषा हिंदी समितीमध्ये सुरेशजी अग्रवाल यांच्या माध्यमातून आम्ही एक दरवर्षी एक विज्ञान प्रदर्शनीचं आयोजन करतो। त्या प्रदर्शनीसाठी वर्षभर आमचे विद्यार्थी त्या परिसरात सॅटरडे आणि संडेला जातात, आमचे शिक्षक आणि ते मिळून एक चांगला प्रकल्प तयार करतात। त्या प्रकल्पाची स्तुती महाराष्ट्र राज्य पातळीवर आहे, 250 महाराष्ट्राच्या शिक्षकांना महानगरपालिकेच्या शिक्षकांनी शिक्षित केलेला आहे। त्याच धर्तीवर एक मोठा प्रकल्प गोरोबा मैदानची शाळामध्ये आम्ही उभारत आहोत। नागपूर शहराची जेवढी शाळा आहे ती महानगरपालिकेची शाळा असो, जिल्हा परिषदची शाळा असो किंवा प्रायव्हेट शाळा असो, प्रत्येक शाळेचे विद्यार्थी तिथे जाऊन केमिस्ट्री कशी शिकायची, फिजिक्स कशा शिकायचा, बायोलॉजी कशी शिकायची, दैनंदिन जीवनात उपयोगात आणलेल्या वस्तू आणि दैनंदिन जीवनात घडत असलेल्या गोष्टीमध्ये कसा सायन्स लपलेला आहे आणि तो सायन्स विस्तारित होऊन सायन्स म्हणून झालेला आहे, या दृष्टीने खेडेमेडेचा वातावरण सायन्स शिकवण्याचा तिथे प्रयत्न महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि याची निधी माननीय गडकरी साहेब CSR मधून उभारून देणार आहे अशा शब्द त्यांनी दिलेला आहे। वर्तमान आर्थिक वर्ष में 30 जून तक संपत्ति कर भरने वालों को सामान्य कर में 10% का छूट और 31 दिसंबर तक भरने वालों को 5% छूट दी जाएगी। वार्ड निधि के रूप में प्रति नगर सेवक 20 लाख रुपए और पिछले टर्म में जिन कार्यों के कार्यादेश निकल गए थे और काम शुरू नहीं हो पाया था वैसे कामों के लिए कुल 55.23 करोड़ का प्रावधान किया गया। स्मार्ट सिटी अंतर्गत ई कचरा से प्रत्येक वर्ष 4-5 करोड़ की आय होगी। केलीबाग, पुराना भंडारा रोड,
मॉडल मिल से रामजी पहलवान चौक रोड, गद्दी गोदाम के पास उड़ान पुलिया, वर्धा रोड पर उड़ान पुल, गीतांजलि चौक से गांधी सागर तालाब तक पहाड़ी उड़ान पुल के लिए बजट में 52.44 करोड़ का प्रावधान किया गया। राजवाड़ा पैलेस के सामने की डीपी रोड के लिए 8.5 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीसी रोड फेज एक के शेष कामों के लिए 63.16 करोड़, सीसी रोड फेज टू व फेज थ्री के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया। डामीकरण, सीमेंटीकरण, सड़क सुधारने के लिए 100.71 करोड़ का प्रावधान किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सड़क योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आरक्षित रखा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।